विकास विकास की तलाश में हो रहा सब कुछ सर्वनाश है। 70 सालों में जिस गांव में ना ईंट बिछा ना हुआ कुछ खास है। यहां के लोगों को सरकार से कुछ आस है। ग्राम प्रधान तो यहां का कहते हैं बकवास। आजादी के बाद से ही धरनी रणवीर राय के इजरी गांव का हो रहा विनाश। चलिए चलते हैं इन गांव वालों के पास जिनको आजादी के बाद से कुछ नहीं मिला और करते हैं कुछ खास बात। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। हमारे देश में 70 सालों में कुछ हुआ है तो बस ये हुआ है कि इस गांव में किसी प्रकार की कोई भी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। वो कहते हैं ना कि 70 सालों में क्या हुआ है, तो 70 सालों में जो हुआ है वो इन गांव वालों से पूछिए। ये है एबीटी न्यूज का चौपाल और सिस्टम ने कर दिया है इन ग्रामीणों का बुरा हाल। ये है जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र, ब्लॉक है जमनिया और गांव है इजरी। तो बहुत परेशानी है। कोई नाली नहीं, कोई रोड नहीं, कोई सुविधा भी नहीं, कोई सुविधा नहीं। अरे हमारे लोग गांव में चारू और पर पैखाना सब बन गया। हम लोग के यहाँ कोई सुविधा नहीं। हमारा विकलांग पेंशन कभी बार बार गए, कभी नहीं सुना। हो जाएगा। किससे आप संपर्क? प्रधान जी से। अच्छा, वो कभी आपकी नहीं सुनते? कभी नहीं सुनते। ये करो वो करो भी ले जाओ, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, चले आओ घर, कल आना परसों आना जाओ, कोई सुनवाई नहीं। कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र 28-29 होती है। अच्छा, तो क्या आपने इस 29 साल में कभी, जब से आपने होश संभाला होगा करीब 25-24 साल, जब से भी आपने होश संभाला होगा, कभी लाइफ में नहीं देखा, कभी आपने ये यहाँ पे विकास की एक भी ईंट नहीं देखी? नहीं, कोई लाइफ नहीं हमारे गांव के अंदर, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, बरसात होने लगेगी, इतना ठेवने भर पानी में उलकर जाओ, आओ कचड़े में आओ जाओ, कोई अच्छी नहीं। इस गांव की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पे समाज में बातचीत होती है और ये निर्णय लिया जाता है कि पूरा का पूरा गांव एक ही जगह वोट डालेगा, यानी किसी एक को ही प्रधान चुनेगा। क्या ये सच है? जी सच है ये। जी ऐसा होता है? जी। तो उसके बावजूद भी आप लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती? नहीं, हो जाती है। किस तरीके से तैयारियां होती हैं जब आप लोग निर्णय लेते हैं कि हम एक जगह ही वोट डालेंगे, तो उसका कितना असर होता है चुनाव पर, कितना असर होता है जो ग्राम प्रधान बनते हैं उन पर? हमारे गांव की जनसंख्या कम है, वहां का वोट प्रतिशत ज्यादा है, क्योंकि वहीं के जीत कर हमेशा आते हैं। धरनी रणवीरा जो गांव है, ये अच्छा, पूरा धरनी रणवीरा गांव है, तो ये आपका गांव इजरी है, इजरी वो है, उसी पूरा है, उसी में आता है। तो ये इस पूरे का आपका वोट परसेंटेज कम है। हाँ। और उधर जो मेन धरनी रणवीरा है उसका वोट परसेंटेज ज्यादा है, 28 से भी कम है यहाँ का। अच्छा, तो इसलिए आप लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता? ध्यान नहीं दिया जाता है। कोई भी जाता है काम लेकर कि हमारा ये काम, यहाँ बरसात में चलना मुश्किल हो जाता है, घर से लोग निकलना दुश्वार हो जाता है लोगों का। कुछ भी काम, एक भी आप जाकर गांव में देख लीजिए तब पता चल जाएगा। क्या शौचालय बने हैं गांव में? गांव में शौचालय 3-4 बने हैं बस, पासवान यादव में एक भी नहीं, कोई भी इस क्षेत्र में एक भी शौचालय नहीं है। क्या कोई नई सड़क बनी या पुरानी? कोई नई सड़क है नहीं, वही पुरानी एक जो सांसद कोटा से है वही बस है, प्रधान कोटा से तो एक भी नहीं है, एक भी सड़क कुछ भी नहीं है। नालियां भी नहीं, एक ईंट तक नहीं है, एक ईंट तक नहीं है। नहीं। पानी की व्यवस्था कैसे होती है गांव में? पानी की व्यवस्था वही गली में बहता है, गली में जकड़ जाता है। पीने का पानी होता है तो वो क्या कुछ पानी की टंकी वगैरह ग्राम सभा की तरफ से? देखिए, चुनाव तो अनेकों हुए हैं यहाँ पे ग्राम प्रधान के, लोग आशाएं दिखाते हैं कि नहीं आप लोग एकमत होकर के वोट दीजिए, वोट दिया भी जाता है उन लोगों के विश्वास के ऊपर, लेकिन वोट लेने के बाद वो लोग अपना विचार बदल देते हैं, कहते हैं कि यहाँ के लोग क्या कर लेंगे,
छोटा सा पूरा है, प्रधानी अगर लड़ भी सकते हैं तो लोग नहीं जीत पाएंगे। अपना बाहुबलता दिखा करके अपना काम अपने स्वयं मर्जी से धरनी रणवीर है गांव में करते हैं। एक बात रही, सुलभ शौचालय भी बनाए, ऐसी जगह बनाए कि उसका कोई यूज ही नहीं है। यूज ही नहीं है। गांव से कितना दूर होगा आपकी? यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा, 3.5 किलोमीटर दूर है यहाँ जी, और कोई उसका यूज नहीं? कोई यूज नहीं है यहाँ पे। नियम लगभग 3-4 शौचालय बने होंगे सभी बिरादरी के मिला करके। जैसे सभी लोग अभी कह रहे थे कार्यक्रम शुरू होने से पहले, सबने कहा कि यहाँ पर आजादी के बाद से एक ईट भी नहीं रखी गई गली में नहीं जी। जो हाँ, जो गांव की सड़कें हैं, मैं मुख्य सड़कों की बात नहीं कर रहा, जो गांव की सड़कें हैं, ये बात सत्य है ना, ना गांव सभा का पैसा कोई भी वित्त का इस मौजे के अंदर नहीं है। शायद लोग ऊपर ऊपर अगर खर्च वाहन दिखा करके उतार लेते होंगे तो उसको उसकी जानकारी हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ भी नहीं है जो कहा जा रहा है। आप भी मुझे लगता है कि धरनी ग्राम सभा के ही हैं जी। धरनी रणवीर, धरनी रणवीर राय के लिए पिछली बार चौपाल में भी आपसे आपसे मुलाकात हुई थी, पिछली चौपाल में। तो ये जो यहाँ की समस्याएं हैं, किस आपका नजरिया क्या है उन समस्याओं पर, किस तरह से देखते हैं? जैसे लोग कह रहे हैं गांव की गलियां हैं, आज़ादी के बाद से इस पर कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ का वोट परसेंट कम है इसलिए यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं यहाँ कुछ काम नहीं करवाते हैं। लगातार कई ग्राम प्रधान रह चुके होंगे जी, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। पिछली बार भी मैंने आपसे चर्चा किया था कि एक ही वर्ग का व्यक्ति, पर्टिकुलर परिवार का नहीं, एक वर्ग से ही लगातार 15 साल से प्रधान होते आ रहे हैं, और जब जब चुनाव नजदीक आता है, भले यहाँ का वोट और छोटा गांव हो, लेकिन लुभाने के लिए जब यहाँ चुनाव नजदीक आएंगे तो प्रत्याशी मैं आपके लिए ये कर दूंगा वह कर दूंगा तमाम सपने दिखाते हैं, लेकिन जैसे चुनाव बीतता है यहाँ किसी का भी ध्यान नहीं है। तो यहाँ के लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आगे हमें क्या करना है, विश्वास के साथ इनको भी अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मत से ही वोटिंग होती है। तो जागरूक होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस पे विश्वास कर सकते हैं। ये पिछले कई सालों, कई वर्षों से विश्वास करते आए हैं, क्योंकि इनका ध्यान नहीं दिया जाता, ध्यान नहीं दिया गया है। आपके घर में शौचालय है जी? ना नहीं है ना। तो शौच के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? बाहर खेत उतने जाते, खेत वगैरह में जाते हैं। तो शौचालय का निर्माण भी नहीं कराया गया जी? ना, तमाम योजनाएं आई थी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरा देश ODF हो गया है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरा राज्य ODF हो गया है, और यहाँ तक की रिपोर्ट ये भी आ गई कि पूरा जनपद ODF हो गया। ODF समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते हैं ODF? हाँ, ये TV पर ऐसे ही दिखाया जाता है जो नहीं समझ में आता है। ODF का मतलब होता है कि शौचालय हर जगह बन गया है, सबके लिए बन गया है। ना बनल है, खेते में जाए ना जी। जब गांव की व्यवस्था ऐसी होगी तो खुले में शौच मुक्त कैसे होगा? और ये आंकड़े आते कहाँ से हैं कि 100% ODF हो गया है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सामने साहब बैठे हैं और इनका शौचालय नहीं बना है। आपका बना है शौचालय? नहीं। आपका भी नहीं बना? क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोपाल यादव है जी। गोपाल जी, हाँ, किस तरह की समस्या है आपको? हमारा गाँव इजरी पड़ता है, ये ढरनी रणवीरा में पड़ता है, यहाँ एक भी सुविधा नहीं है। आज तक आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, लेकिन एक भी ईंट की सरकारी व्यवस्था नहीं की गई है। सब गलियां ऐसे ही पड़ी हैं, एक भी नाली नहीं है। ठीक है, ये जो मेन रास्ते हैं वो सांसदी विधायकी कोटा से बन गया है, प्रधान के नाम पर एक भी ईंट नहीं है, ना तो कोई आवास है। हमारी गढ़ई भी जस की तस पड़ी है, उसमें एक भी पानी, बस बरसात का जाता है जैसे तैसे डलकर, गाँव का एक भी पानी नहीं जाता इसमें, एक भी नाली का। आज तक सरकारी नाली भी नहीं बनी, एक भी नहीं बनी है। और प्रधान तो कितने आए गए, बाप दादा से लेकर आज तक देखते हम लोग आ रहे हैं। शौचालय है? शौचालय एक भी नहीं है गांव में, एक दो चार आदमी को छोड़कर।